चाहिए, ताकि हमको पहले सोच के इसको ठीक करना पड़ेगा। और बाकी जितना अन्य धर्मों में कहीं के बिलीफ में हम जो भी गए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने जो अच्छा चीज सीखा वो इसको हमारे समाज में इंप्लीमेंट कीजिए, हमारे समाज में डालिए, एंड लेट अस थिंक फॉर अ बेटर सोसाइटी एंड वाइब्रेंट सोसाइटी। और दूसरा, अभी अभी हमारे माम साहब ने भी बोला है कि हमारे समाज में ओपियम के लेके एक बर्निंग टॉपिक है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आप मिशनी को जब गूगल पर क्लिक कीजिए, शायद सब तो कंप्यूटर नेटवर्क देखता है, वहां में मिशनी के साथ में एक आएगा कहानी, क्या हमारा आइडेंटिटी ऐसे रहना पड़ेगा, क्या ऐसे भी होना पड़ेगा। स्पेशली यूथ, मैं जो अभी जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में जो नौकरी ढूंढने वाला, आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपका माँ पिताजी भी सर एडिक हो के खुशी नहीं है, और वो भी ये नहीं चाहता कि आप मेरा बच्चा एडिक हो, मैं खुद भी नहीं चाहता, तो उसको आप समझिए। हम लोग जो जिंदगी गुजरना गुजर चुका है, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बट यू हैव टू डू, आपको करना है, आपको शादी करना है, नौकरी करना है, खेती करना है, घर बनाना है। अगर आप इस उम्र में एडिक्टेड हो जाता है तो आप क्या कर पाएगा, यू विल बी द बर्डन फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर सोसाइटी, और हम सारा मिस्ली समाज के लिए आप बर्डन बन गया। तो इसलिए मैं यूथ से मेरी रिक्वेस्ट करूंगा, लेट अस लर्न फ्रॉम दिस ठेला वाला रिक्शा वाला हाउ टू सर्वाइव ऑन दिस वर्ल्ड। मेहनत कर जीने का उनसे सीखेंगे, हम नौकरी में हो के, हम कॉन्ट्रेक्टर हो के, हम पीआरआई मेंबर हो के, हम एमएलए हो के, क्यों कानी खेती में हम लगा रहे, आई हैव गॉट लॉट ऑफ इनकम, देन दिस ठेला वाला दिस रिक्शा वाला दो सर उसको कंटिजेंसी कमिंग फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट, उनसे हमारा पास कमाई ज्यादा है, फिर भी हम 10% देता है, दिस इज माई लाइवलीहुड, मेरा रोजगार है। भगवान को बदनाम करता है, इसका बिना पूजा नहीं होता है, अपने आप को बदनाम करता है, अपना मेंटल सीखने को भगवान ने हमको साथ में आने जन्म लिया, अब तक चलेगा, हम अपना कमजोरी छिपाने के लिए भगवान तक को बदनाम कर दिया हम लोग ने, लेट अस थिंक ऑन दिस। आप सब सोचिए कि कैसे किया जाए, हाँ एक दिन में नहीं होगा वो बात अलग है, इतने चक्कर है, बट लेट अस कंटिन्यू करेंगे, जरूर होगा जी। सोशल, जैसे मैंने पहले बोला, सोशल चेंजेस 10 लोग काम मिसिंग, सिर्फ हमको करते रहना पड़ेगा। मैंने तवाम देखा हूं, मैं चुका देखा हूं, बोर्ड देखा हूं, वी आर मोर इंटीरियर देन अस, यहाँ बालू नहीं मिलता है, गिट्टी नहीं मिलता है, खेती बाड़ी नहीं होता है, बट दे आर रिचर देन अस इन एक्टिव वे, वेल एजुकेटेड है, हमारे तेजू रोइंग में तो क्या बालू के सामने सब चीजें, खेती में गाली जाता है फिर भी हम पीछे है, तो इस पीछे हमारा जो बैकवर्ड है उसको हम सब मिलकर दूर करना पड़ेगा, और सारा ये इश्यूज के ऊपर में हम डिस्कस नहीं कर रहे तो हु विल डिस्कस फॉर अस, कोई एक दिन खेती काटने से वो काटने से नहीं होगा, यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, खेती काटना है या छोड़ना है, दैट शुड कम आउट फ्रॉम इनसाइड ऑफ अस, हमारे अंदर से आना पड़ेगा तब होगा। कोई सरकार को कोई अल्टरनेटिव ने कितना अल्टरनेटिव मांगेगा, हम लोग मिला है लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हम सबको जवान होना पड़ेगा कि लेट अस डू समथिंग फॉर दिस, स्पेशली यूथ, आप लोग समझिए। आई फील वेरी थैंकफुल समटाइम्स कि हमारा यूनिवर्सिटी का बच्चा लोग जस्टिफाई करता है कि ओपियम इज ओनली माय लाइवलीहुड, आई डोंट बिलीव दैट, आपका इतना एक्सपोजर है, इतना पढ़ा लिखा है, इफ यू आर सेइंग लाइक दिस यू आर मिसगाइडिंग द सोसाइटी, तो लेट अस ट्राई टू लिव फॉर दिस ठेला वाला, ओके। तो सोच के बैठिए आप उसमें, और ये जान लीजिए हम मिसमी बैकवर्ड है इन कंपेरिजन टू अदर ट्राइब्स, और हमको आगे ले जाने के लिए इस दुनिया के कंपिटिटिव बोर्ड में कोई दूसरा आके हमको नहीं ले जाता, ओनली दिस इल्डर्स, ये इल्डर्स जो बैठा है विल गाइड यू, हम गाइड करेंगे, आप मेहनत कीजिए तब हम आगे जाएगा। इट इज वेरी सॉरी टू से हमारा अंजाम लोहित में एक क्लास वन प्रोटेक्टर नहीं है, रोइंग में भी शायद कम है, कौन सा आईएएस ऑफिसर आईपीएस हमारा अपना कम्युनिटी से बैठा है, बजट आता है, फंड आता है, कॉन्ट्रेक्टर भी दूसरा करता है, धर्मा भी दूसरा लेता है, हमको क्या मिलता है, बट हाउ लॉन्ग दिस विल गो, समय आया है, हम सबको सोचना पड़ेगा। हमारा यहाँ में फंड आया है, प्रोजेक्ट आया है, तो हम लोग ही करेगा, हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट में तो नौकरी भी नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता, व्हाट आई कांट डू एनीथिंग इन माय ओन डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ माय एग्जिस्टेंस ऑन दिस वर्ल्ड, आप लोग सोचिए। उसके बाद
एजुकेशन के रिलेटेड है। एजुकेशन वी मस्ट एक्सेप्ट इट, एजुकेशन को हम अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स में डाल दिया। जो मेरा सपोर्टर है अनपढ़ को नौकरी दिया, जो मेरा एजेंट है पीएचडी करने वालों को भी नौकरी दिया। आज इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोटा जॉब जरूर मिल रहा है, पुलिस में आया, नर्सिंग में आया, टीचर्स में आया, हमारा लोगों को क्या मिला है, सारा कोटा बाहर जा रहा है। तो क्या हम इतना भी मेहनत नहीं कर सकते, कम से कम डिस्ट्रिक्ट जॉब जो कोटा आता है उसको हम हासिल नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल वोटर बैंक बनाने की वजह से माँ भी ये बोलते हैं, बाप भी ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा को नौकरी दे दो आपको हम वोट दे देगा, बेटा भी बोलता है हमको वोट दे दो हम वोट देगा हमको नौकरी दे दो। ये नौकरी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल में घूमने वाला है। आज यहाँ में जितना भी हाई ऑफिसर डाइस बैठा है, हमारा जज साहब बैठा है, हमारे यहाँ में बैठा है, ये लोग अपने मेहनत से अपने बल पर नौकरी हासिल किया वाला और ये लोग प्रोग्रेस कर दिया। तो इसलिए मैं यूथ से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बी कॉम्पिटिटिव, मेहनत करो, आगे बढ़ो, डोंट डिपेंड ऑन डिस्ट्रिक्ट कोटा जॉब्स। आज के दिन में हमारा ऑनरेबल्स को भी इतना पावर नहीं जो कि किसी को नौकरी देगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ऑनरेबल्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिकलाइज मत कीजिए। क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट को देगी उसको नौकरी देना है, चाहे मेरा ऑपोजिशन हो चाहे मेरा कुछ भी हो। इससे क्या होगा, बाकी हमारा बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा, डिस्ट्रिक्ट होता जॉब तो छोड़ दीजिए, नेशनल लेवल में स्टेट लेवल में हमारा बच्चा को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस पेंशन हैज टू कम फ्रॉम आवर लेटर्स आल्सो एंड एज वेल एज माय यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब तो मेहनत करना पड़ेगा, किसी नेता का पीछे घूम के होने वाला नहीं है। आप तेजू में देखा है नर्सिंग का पोस्ट आया, झगड़ा कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट का लोग कर रहा है, एक दफ्तर में नौकरी चला गया, हम लोग आदमी तो कैंडिडेट ही नहीं है। This is the situation now. तो मैं यूथ से मैं यही वादा चाहूंगा कि आप ये आने वाला जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोटा जॉब्स आएगा जो भी आएगा, कम से कम उसमें से तो एक पोस्ट पे हम लोग बाहर वालों को नहीं देना है, हम लोग के अंदर में होना है, और हो सके तो हम बाहर डिस्ट्रिक्ट का जॉब्स को भी हम लोग छीनने के लिए कोशिश करना है। जमाना है छीनने का है, मांगने का जमाना चला गया, टाइम इज गन नाउ, इसलिए हमको छीनने का भी दम होना पड़ेगा, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। और ये सारा चीज को हासिल करने के लिए, समाज को चेंज लाने के लिए हम लोग हमारा एमडब्ल्यूसी एग्जीक्यूटिव तो सभी से मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और मैं एक जो हमारा नया जितना एग्जीक्यूटिव फॉर्म हुआ, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हमारा यहाँ में लेट लेडर्स सोवेन टाइम जी थे, लेट फप्रीसो प्रॉम है, दादे तक्यो सर है, तो मैं आप लोग फर्स्ट टाइम आज वोट किया, मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग के माध्यम से हमारे ऑनरेबल्स के थ्रू से, ये मेरा इंडिविजुअल व्यू है, आई डोंट नो पीपल टू सपोर्ट मी मोर, क्यों ना तेजू जोनल हॉस्पिटल को सोवेन टाइम जोनल हॉस्पिटल माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल में चलता ही है, ये मेरा प्रपोजल है। दूसरा इंटरवेली गवर्नमेंट कॉलेज जिसको स्थापन के लिए हमारा लेट प्रॉम साहब का बहुत ही योगदान है, नौकरी के डिनाइड एक्ट, तो उसको क्यों ना मनाया जाए। उसी प्रकार और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या अनिनी पे है, रोहिंग पे है, तो हमारा ताजो सर को नाम में हम लोग करने से ठीक होगा, एडवाइस राइट फोरम है आप लोग हैं जिसको टेकअप करना चाहिए थ्रू आवर ऑनरेबल्स, क्योंकि ये सिलसिला स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में चल रहा है। तो ये लोग क्योंकि इतना नामी लेडर स्टेट को रिप्रेजेंट किया, दैट आइडियस ऑफ आवर सोसाइटी, तो हम लोग उसको कुछ मेमोरी के रूप में कुछ उनकी याद कर करता है तो अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोग से सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग डिस्कस कीजिए, बट यू कैन बी डन ऑन अदरवाइज, और कैसे किया जाए वो आप लोग लिखेंगे। और मैं सर थोड़ा ज़्यादा कह दिया तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि समाज के लिए हम सब का दायित्व बनता है कि मिलजुल के काम करना है। और जितना भी लोग आया है मेरे तरफ से भी पर्सनली आप सभी को थैंक देता हूँ, और नए एजुकेटिव्स को भी मैं दोबारा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू।